सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। क्या आपने शमशान में भगत सिंह, अखंड भारत आदि की कल्पना की है? जी हां, हम आपको लेकर चलते हैं सुजानगढ़ के भोजलाई बास स्थित शमशान घाट में, जहां पर भोजलाई बास न्यूयॉर्क मंडल की ओर से दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाबा भूतनाथ के मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया। वहीं देशभक्ति से ओतप्रोत एक से बढ़कर एक आकृतियां रंगोलियां कार्यक्रम के दौरान सजाई गई। शाम को आयोजित कार्यक्रम में शमशान घाट में अखंड भारत की आकृति दीपों के माध्यम से बनाई गई, जिसमें पीओके को भी शामिल किया गया। दूसरी ओर शहीद भगत सिंह को भी श्रद्धांजलि दी गई। बड़ा आसा भगवान शंकर की प्रतिमा के पास त्रिशूल बनाया गया, जो अपनी अलग ही छाप छोड़ रहा था। वहीं भूतनाथ मंदिर में ओमकार की आकृति मानो सबको आकर्षित कर रही थी, तो दूसरी ओर रंग बिरंगी रंगोलियां मानो देश के सभी त्योहारों के एक साथ ही आ जाने का संदेश दे रही थी। दूसरी ओर कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। वहीं बड़ी संख्या में युवक युवतियां सेल्फी लेते हुए भी देखे गए। आपको बता दें, कार्यक्रम को सफल बनाने में बलदेव प्रजापत, श्रवण पारीख, सुरेंद्र प्रजापत, सत्यप्रकाश, अनिल पारीख, लक्ष्मण इंदौरिया, रामानंद फलवाड़िया, भंवरलाल सोनीवाल, राकेश पारीख सहित बड़ी संख्या में लोगों ने अपना योगदान दिया। आप भी देखिए क्या क्या हुआ इस आकर्षक कार्यक्रम के दौरान, और बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ। द्वारा 51 दीपकों का रखा गया था, और फिर 71 हो गए, 21 दीपक बड़े बड़े ही इस कार्यक्रम के अंदर। ये जो सीमा पर खड़े जवान जिनकी वजह से देश की रक्षा हो रही है, उनकी याद के अंदर ये शहीदों की याद में ये कार्यक्रम ये संपन्न किया गया है। और हम ये चाहते हैं कि पूरे देश में शांति से दीपावली का आयोजन हो, और सभी शुभकामना मंगल कामना होती रहे, सभी जगह हर्षोल्लास से दीपावली मनाई जाए, और शहीदों को सभी जगह जगह पर याद किया जाए। अखंड भारत माता जिसे पीओ के साथ में लिया हुआ है, वो प्रतिमा बनी हुई है। भगत सिंह को याद किया गया है, और ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, ये सभी दीपकों के द्वारा ये चित्रकार्य बनाई गई है, और मोहल्ले की बहन बेटियों के द्वारा भांति भांति की रंगोलियां बनाई गई है, और सुंदर सुंदर रंगोलियां बनाई गई है, उनकी प्रतियोगिता भी थी इस कार्यक्रम के अंदर। धन्यवाद।